से जुड़ी जो बातें रहती हैं मैं वही शेयर करती हूँ, और भी चीज़ें हैं जो कि मैं बताती ही नहीं हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि ये ठीक है बताना, जो मेरे से जुड़ी हुई होती है तो वो मैं बताती हूँ। बाकी चीज़ें तो मैंने बताया ही नहीं है कि मैं क्यों जा रही हूँ वहाँ पर क्यों जाती हूँ, यहाँ पर क्यों जाती हूँ, है ना। बार बार मेरा आने जाना क्यों हो रहा है, क्यों मैं परेशान हो रही हूँ, क्यों मैं कोर्ट के चक्कर काट रही हूँ बार बार। तो फ्रेंड्स हम तैयार हो गए हैं। अब पहले आप लोगों को बोले हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग हैं मैं साफ खा रही थी, दो रोटी खाई। तो अभी बज रहा है 1:15 और मैं बस अब निकलने वाली हूँ। जैसे कि मैंने कल बताया था कि मुझे फिर से जाना है, आज की डेट है और मुझे जाना पड़ रहा है। तो मैं तैयार हुई हूँ। चलो मैं आप लोगों को, वैसे क्या लुक बता रहा, पार्टी वार्टी में थोड़ी ना जा रहे हैं, ये तो घसीटा जा रहा है मुझे फालतू। तो तैयार हो गई हूँ, खाना भी खा लिया मैंने, दो रोटी खाई है। और यहाँ खिड़की बंद कर दूँ, बॉटल नहीं रखी है पानी की, मैंने रख लूँ अच्छी होती है, थोड़ा बहुत पानी डाल लेती हूँ इस बॉटल में तो ठीक रहता है। सावन बन बन के मेरी आंखें तरसी हैं। थोड़ा सा ही पानी रखा है, ज्यादा नहीं, 2 ग्लास होगा, 2 ग्लास बहुत है पानी मेरे लिए, है ना। अभी आती हूँ, 1-2-3 घंटे बस लगेंगे। और बैग तैयार हो गया है और जल्दी से बैग में रखते हैं और निकलते हैं, क्योंकि उस बार में लेट हो गई थी, अभी 15 दिन पहले ही गई थी, लेट हो गई थी। चलो आ गई है स्कूल और स्कूल। देखो मैंने न्यू स्लीपर खरीदी है, सॉक्स पहन लेती हूँ क्योंकि ना ठंडी सी है, मैं सॉक्स पहन ली हूँ। और देखो मैंने न्यू स्लीपर लिया है, कैसी है, ताला कहाँ चला गया, मैं गेट के पास रख देती हूँ, मिल गया, यहाँ पे रखा हुआ है, ये बैग बाहर और लॉक कर देते हैं, जूती मेरी बाहर ही रखी है। चलो पैर में अभी अभी मोच लग गई, चलने में प्रॉब्लम हो रही, दर्द हो रहा है, अचानक से क्या हो गया लाइट बंद कर दूँ और थोड़ा सा पानी मैं पी लूँ क्योंकि मुझे प्यास लगाई। रास्ते में खड़े हुए हैं और कर रहे हैं ऑटो का इंतजार। तो
हम वहाँ से अब लौट रहे हैं, आप लोगों को घर पे मिलेंगे, घर पर बात करेंगे। आज ज़्यादा मैंने वॉइस ओवर नहीं की है, तो बस बने रहिए। मैं आके बैठी हुई हूँ और मेरा सर में दर्द हो रहा है, तो मैं चाय बनाई हूँ अभी। मतलब बाद में मैं कपड़े चेंज करूँगी, पहले मैं चाय पी लूँ। तो यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ, पहले आकर पानी पिया मैंने। बॉटल तो मैं ले गई थी, वहाँ भी मैंने पिया था। और अभी मैं सर में बहुत दर्द है, चाय पीते हैं। और भूख भी लगी है मेरे को, तो दो रोटी खा गई थी। 3:30 बज रहा है, कुछ खाने की इच्छा हो रही है। कुछ क्या रखा, कुछ रखा भी नहीं ऐसा। मैंने ये थोड़ा सा पोहा फ्राई किया है, तो ये मैं खाऊंगी। मैं कुछ सोच रही हूँ अपने ही बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। लेना एक ना देना दो, इंसान क्या क्या नहीं करता है सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए। मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ पर वीडियो वगैरह नहीं बनाया कुछ भी, और वहाँ से आ भी गई। ज़्यादा से ज़्यादा मैं जैसे 1 बजे गई थी, मैं 2:30 बजे वहाँ से निकल गई थी। मैं यानी जो भी था वो हो गया था काम, और मैं निकल गई थी। 1 बजे थी तो मैं यानी 1:30 बजे करीब पहुँची। 1 घंटे वहाँ पर जो भी था, डेट थी ना आज, तो वहाँ पर थोड़ा वेट किए और फिर उसके बाद मैं निकल आई। ऑटो मिल गया मुझे, एक जगह के लोग, एक ही जगह जाना, एक ही रास्ता। अच्छी बात है, कुछ बातें ऐसी होती है जो कि मैं नहीं बताना चाहती, क्योंकि मुझे बोला भी गया है साफ तौर पे कि देखो। अभी भी बोला गया था कि यूट्यूब पर लाने से क्या मतलब है, यूट्यूब पर क्यों बताती हो ये वो। देखो मैंने अपना रियलिटी बताया है, अब मेरे साथ जो हुआ है वो मैंने बताया। मैंने किसी के नाम वगैरह नहीं लिए हैं, और मेरे से जुड़ी जो बातें रहती मैं वही शेयर करती हूँ। और भी चीज़ें हैं जो कि मैं बताती ही नहीं हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि ये ठीक है बताना, जो मेरे से जुड़ी हुई होती है तो वो मैं बताती हूँ। बाकी चीज़ें तो मैंने बताया ही नहीं है कि मैं क्यों जा रही हूँ वहाँ पर क्यों जाती हूँ, यहाँ पर क्यों जाती हूँ, है ना। बार बार मेरा आने जाना क्यों हो रहा है, क्यों मैं परेशान हो रही हूँ, क्यों मैं कोर्ट के चक्कर काट रही हूँ बार बार, है ना। तो क्या कर सकते हैं, मैं ये सब कुछ बातें तो बताती नहीं हूँ। अगर आप लोगों के सामने, सबके सामने मैंने बता दिया, तो आप लोग बोलोगे सुहाना सच में कितनी परेशान है तू। एक चीज़ और मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। मेरे पास एक पोस्ट, ऐसे रील स्क्रॉल कर रही थी मैं, तो वहाँ पर एक वीडियो मिल गई मुझे। हालांकि वो मुझे ज्योतिष वगैरह तो नहीं लग रहे थे, पर एक चीज़ थी वहाँ पर। ये जैसे कि मैं शुक्ला जी की जैकेट पहनती हूँ, श्रेया भी टी शर्ट वगैरह पहन लेती हूँ उनके, क्योंकि मैंने उनके कपड़े कुछ ज़रूरतमंदों को दिए हैं। जैसे ठंड के कपड़े मैंने कुछ दे दिए हैं जो कि किसी का भला हो, और भी कुछ कुछ चीज़ें मैंने दे दी हैं उनकी। जो कुछ कपड़े थे जो वो ज़्यादा पहनते थे, और कुछ ऐसे कपड़े भी हैं जो वो ज़्यादा नहीं पहने हैं, तो वो चीज़ें मैं रखी हुई हूँ। मेरा मन नहीं करता कि मैं किसी को दूँ अब, क्योंकि थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो मैं अपने पास रखती हूँ। पर उस वीडियो पर मैंने देखा कि वो बोल रहे थे कि चाहे व्यक्ति किसी भी तरह से जाए धरती से, तो उनके कपड़े नहीं रखना चाहिए, ना ही उनके कपड़े यूज करना चाहिए। तो
तो आप लोग जितने लोग हो, आप लोग प्लीज़ जितना भी आप लोगों को पता हो या फिर किसी से पूछ के जरूर मुझे बताना, क्या ये सही बात है? उन लोगों ने बोला है, यानी उन्होंने बोला है कि अगर हम कपड़े यूज करते हैं तो हमें भी तकलीफ़ है और जिनके कपड़े हैं उनको भी तकलीफ़ है। हालांकि 3 साल हो गए हैं और मैं उनका जैकेट पहनती हूँ, और बस ये है कि मुझे अभी सर दर्द की प्रॉब्लम होती है। रात में पता नहीं क्यों सर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है मेरा। मैं रात में ना इतना सॉफ्ट मैंने तकिया मंगवाया हुआ है जिसमें कि मुझे सर में दर्द ना हो, पर मैं जैसे ही सोती हूँ ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये पूरी गर्दन वर्दन सारा कुछ दुखता है। अभी भी मेरा यही हाल हुआ है और अभी कुछ दिन से तो मुझे वॉमिटिंग वॉमिटिंग सा लग रहा है। सर दर्द होता है तो लगता है मेरा किसी चीज़ों में मन नहीं लगता, वॉमिटिंग सा लगता है। तो आप लोग बताइएगा कि, क्योंकि उसमें बोला गया था कि जिनके कपड़े हैं तो वो उनको लगता है कि मैं जाऊं, यानी वो उनको मुक्ति नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए भी खराब है और हमारे लिए भी खराब है। आप लोग बताइएगा ये बात कहाँ तक सच है। और हम तो पहन लेते हैं इसलिए क्योंकि हमारे बिट्टू के हैं, अच्छा लगता है, हमको अच्छी सी फीलिंग आती है कि हमारे बिट्टू हमारे पास है, तो ऐसा सा लगता है, तो इसलिए हम पहनते हैं। और वो जैकेट भी अच्छी है और भी चीज़ें हैं, बट वो कुछ श्रेया जैसे एक दो चीज़ें निकाली हुई है, तो और भी चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं उनकी। और कपड़े में तो श्रेया और मैं दोनों पहनते हैं उनके, तो बताइएगा आप लोग कमेंट्स करके कहाँ तक सही है कहाँ नहीं है। सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा है, और अभी 4:30 बज रहा है, श्रेया आने वाली है। मैंने साड़ी इसलिए चेंज नहीं की हूँ क्योंकि मुझे ना एक रील बनानी थी, तो मैं अभी बनाऊँगी थोड़ी देर से। मैं थोड़ा सा ऐसी रेस्ट कर रही हूँ। प्रॉब्लम आ गई है कि पावर बैंक जो पहले, वो तो बैटरी ख़राब हो गई थी, अभी तक मैंने दिखाया ही नहीं, कहीं शॉप में भी नहीं ले गए। और दूसरा पावर बैंक शायद वो श्रेया के हाथों से स्टेबल से ही गिर गया है, तो उसका जो अंदर का जितना भी वो रहता है ना, ये सी पिन इन फंसाने का ये जो रहता है, ये पूरा सिस्टम ना थोड़ा सा खिसक गया है। तो हम जैसे ये पिन वगैरह लगाते हैं तो वो लग ही नहीं रही है, ये प्रॉब्लम हो गई है। तो मुझे अब ज़्यादातर यहीं पर समय बिताना होगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मोबाइल हो गया चार्ज करने के लिए, है ना, लैंप हो गया, और बस यही दो चीज़ें हैं, और ब्लूटूथ हो गया, तो जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो ही है, और घर पर भी कभी कभी लगा लेती हूँ मैं, जैसे मुझे लगता है कि मुझे एडिटिंग करनी है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें सुननी है तब मैं लगा लेती हूँ। तो आप लोग बताइएगा, श्रेया आने वाली है, 4:24 हो चुका है। एक रील मैंने अभी अपलोड की थी जो कि यहाँ पे दिख रही है, तो मैं भी उसको देखूँगी। ये थोड़ा सा मोबाइल बहुत देर में चलता है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आप लोगों को कल, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। और प्लीज़ अभी आप लोगों के हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे सपोर्ट करिएगा।